नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी बस स्टैंड की, जहां 28 और 29 मार्च को ही रोडवेज की दो दिवसीय हड़ताल के दौरान रेवाड़ी समेत प्रदेश के 5 रोडवेज डिपुओं के महाप्रबंधक और कुछ कर्मचारियों को चार्जशीट किए जाने के विरोध में साझा मोर्चा के रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ हाथों में काले झंडे लेकर 2 घंटे तक रोष प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, न केवल 5 रोडवेज डिपुओं के महाप्रबंधकों को चार्जशीट किया गया, बल्कि उन्हें नौकरी से निकालने की धमकियां भी मिल रही हैं। लेकिन इस प्रकार की गुंडागर्दी को साझा मोर्चा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। रेवाड़ी से हमारे संवाददाता भानु शर्मा की रिपोर्ट। आपका नाम और क्या कहेंगे आज के? मैं परवीन यादव, सचिव साझा मोर्चा रेवाड़ी डिपो। क्या कहेंगे आज जो ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है? आज का प्रोटेस्ट 28 और 29 मार्च को जो साझा मोर्चा की स्ट्राइक थी, उसमें जो उच्च अधिकारियों द्वारा जो डिपो के कर्मचारी और महाप्रबंधन महोदयों के खिलाफ जो भी चार्जशीट किए गए, उनको उनके साथ जो उत्पीड़न किए गए, उसके उनके सहयोग में उनके खिलाफ ऐसा ना हो, इसके लिए ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सरकार की तानाशाही की नीतियों के खिलाफ काले झंडे दिखाकर इसे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मैं छवि कुमार, हरियाणा रोडवेज कर्मचारी महासंघ प्रेसिडेंट रेवाड़ी डिपो। श्रीमान जी, हमारी जो 30 सूत्रीय जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन के तहत जो हमारी मांग है, पुरानी पेंशन बहाल करना, निजीकरण प्रक्रिया बंद करना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, और जो 28-29 तारीख की जो हमारी हड़ताल थी, उस दौरान जी हमारे जो छोटे कर्मचारी व बड़े अधिकारियों के साथ सरकार ने जो उत्पीड़न की प्रक्रिया शुरू कर रखी है, उसके खिलाफ आज 2 घंटे का प्रदर्शन काले झंडों के साथ दर्शाया गया है। हमारे कुछ कर्मचारियों के साथ सरकार ने उत्पीड़न की प्रक्रिया के साथ गुंडागर्दी के कुछ लोगों को भी बढ़ावा दे दिया गया, जिसमें हमारे HRDC के महाप्रबंधक जो एक सम्मानित कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ गुंडों ने जबरदस्ती धमकी दे रखी है मारने और उन्हें नौकरी से निकालने की। कारण क्या है, किसकी धमकी दी गई है? इसका कारण, धमकी देने का कारण सरकार की जो ये हमारी HRDC की बॉडी में जो गाड़ियाँ कुछ बनती है ना, उनके ठेकेदारों में कुछ छोटी मोटी उनकी कोई मिली भगती होती है सरकार के द्वारा और ठेकेदारों की, जिसके तहत अधिकारी ने अपनी न्याय प्रणाली के अनुसार काम शुरू कर दिया, जिससे ठेकेदार उसे रुसवा हो गई। न्याय नहीं मिलता अब तो अगला कदम क्या होगा? न्याय नहीं मिलता जब तक हम जिंदा रहेंगे ना, सरकार के खिलाफ अपना आक्रमण जारी रखेंगे और गुंडागर्दी को बंद करवा कर रहेंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।